वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस। मैं हूं आपके साथ अजय छेटी, जो कि कॉमन सेंस का आज का एपिसोड लेकर आया हूं पुरानी मंडी से। जी हाँ, पुरानी मंडी एक भीड़ भाड़ वाला इलाका, और साथ ही हमें यहां से व्हाट्सएप पे कई सारे मैसेज आए थे जहां पे वो चाहते थे कि हम पुरानी मंडी में आके लोगों की कॉमन सेंस को चेक करें। इसलिए हम आज यहां पर आए हैं लोगों की कॉमन सेंस चेक करने के लिए। लोगों से हम कुछ आसान से कॉमन सेंस वाले सवाल पूछेंगे, पर शो की शुरुआत करने से पहले हम आपको दिखाएंगे हर बार की तरह हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट देख के आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी, और जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तब आप हमें कहीं ना कहीं जरूर याद करेंगे। तो देखिए हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, ये तो था हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। इस फैक्ट से आपको कहीं ना कहीं नॉलेज जरूर मिली होगी, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया कि इंडिया ही वो कंट्री थी जिसने मून पे पानी को डिस्कवर किया था। ये हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट था आज का। करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की शुरुआत। आज के प्रोग्राम का जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि क्या एक कंगारू कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है या नहीं लगा सकता। ये कॉमन सेंस वाला सवाल है कि क्या कंगारू कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है या नहीं लगा सकता। ये हम पुरानी मंडी में आए लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि कितने लोग हैं यहाँ पे जिनमें कॉमन सेंस है। दोस्तों, इस वक्त हम पुरानी मंडी में जहाँ पर हम लोगों की कॉमन सेंस चेक करें, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दे सर आप। मेरा नाम माइकल वजीर है, और मैं कहाँ के रहने वाले? मैं बस सिटी का रहने वाला जी। कॉमन सेंस है आप में? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। कितने परसेंट है? लगता तो 100% है। आपकी तरफ से 100%? बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने बताया आज तक आपको कि 100% आप? हाँ, क्या किसी ने नहीं बताया भैया, अपने पे भरोसा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, अपने पे भरोसा है। नाम बता दे अपना। रोजी। कहाँ के रहने वाले? विजयनगर। अच्छा, कॉमन सेंस है आप में? हाँ जी। कितने परसेंट? अब आप जब क्वेश्चन पूछोगे तब पता लगेगा कितने परसेंट है। कैसे बोलते हैं ना कि लड़कियों में लड़कों से ज्यादा होती है कॉमन सेंस, शायद में ज्यादा लड़कों से या कम है? ज्यादा ही होगी, पक्की बात है। नाम बता दे सर अपना। मेहदी खान। कहाँ के रहने वाले? करगिल। कॉमन सेंस आप में जी? हाँ। कितनी? कितनी क्या बताया, थोड़ी तो बता सकते हैं। बता दो ना, मतलब किसी ने बताया होगा आपको कि आज तक किसी ने भी नहीं बताया? बताया। फिर आपको कैसे पता मेरे में है? होगा। नाम बता दे सर अपना। विनोद आनंद। कहाँ के रहने वाले? जलाके में लगे। अरे कॉमन सेंस है आप में? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है, क्या चाहिए आपको? चाहिए कॉमन सेंस ही है ना, ढूंढ रहे हैं यहाँ पे किस में मिले कॉमन सेंस। कॉमन सेंस सभी में होती है। सभी में होती है? इस्तेमाल नहीं ना करते सभी? इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप करते हो इस्तेमाल? हाँ, क्यों नहीं। दिन में कितनी बार कर लेते हो? 24 घंटे। 24 घंटे? रात को सोते भी करता हूँ। अच्छा, सोते हुए भी करते हो कॉमन सेंस। राजीव रंजन। कहाँ के रहने वाले? रहने वाला मैं भागलपुर का हूँ। अच्छा, कॉमन सेंस है आप में? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस सभी में होता है जी। इस्तेमाल नहीं ना करते सर? हाँ, ये बात सही है, इस्तेमाल करते हैं, कोई नहीं करते हैं। आप करते हैं नहीं करते हैं? दोनों पढ़ने कभी हो भी जाती है, कभी ना भी होती है। अभी होगी या नहीं होगी पता नहीं, आप पूछो जी, कुछ पूछना जो। चलो मैं पूछता हूँ, बताइए सर, क्या एक कंगारू कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है? नहीं लगा सकता जी। क्यों नहीं लगा सकता? उसके उतनी कैपेसिटी नहीं है जी। कैपेसिटी कितनी है कंगारू की वो बताओ। चलो 50-60 फीट कर लेगा जी। कुतुब मीनार जितना नहीं लगा सकता? कुतुब मीनार की हाइट के बराबर में नहीं लगा सकता। यदि कुतुब मीनार को पार करनी है ऐसे, वो तो 1 सेकंड छलांग में लगा लेगी, लेकिन ऊंचाई पार करके नहीं कर पाएगी जी। बताइए सर, क्या एक कंगारू कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है? जी नहीं लगा सकता जी। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि वो इतना कुतुब मीनार इतना लंबा है, अगर आप कुतुब मीनार के ऊपर उसको रखो तो फिर छलांग लगा सकता है, अगर नीचे से तो वो कुतुब मीनार तक पहुँचेगा नहीं। कंगारू देखा है हमने, होता क्या? नहीं, कंगारू नाम सुना, देखा नहीं है जी। पता नहीं है क्या जी? ना नहीं देखा जी। पता है क्या चीज़ है पर देखा नहीं है। क्या चीज़ है ये बताओ पहले। कंगारू एक जानवर है। किस किस्म का जानवर है? चार टांगों वाला जानवर है जी। पक्का चार ही टांगे? हाँ बिल्कुल, चार टांगे। तो कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंची छलांग नहीं लगा सकता। हम बताइए कि कंगारू क्या कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है? कंगारू कुतुब मीनार जी नहीं। क्यों? कुतुब मीनार बहुत लंबा है, कंगारू नहीं मार सकता। नहीं। कंगारू पता है आपको क्या होता है? हाँ। वो उसके छलांग लगाते हुए देखा कभी आपने? नहीं नहीं देखा। नहीं, पर फिर भी आप कह रहे हो कि उससे ऊंची नहीं लगाएगा? नहीं, कुतुब मीनार बहुत लंबा, कुतुब मीनार देखा है ना, इसलिए कुतुब मीनार देखा हूँ जी, उससे ऊंची लगा ही नहीं सकता वो जी। नहीं, कंगारू को देखा है आपने कभी छलांग लगाते? नहीं देखा। अब वो सामने लाइव नहीं देखा है, ठीक है? अब हम यूजुअली देखते हैं ना टीवी में, उसमें कि इस तरह मतलब ये कैसे लगा सकते, सोचने वाली बात है। नहीं लगा सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। छलांग नहीं लगा सकता, पक्की बात है।
हाँ जी मुझे लगता है आप बोल रहे कंगारू पे डिपेंड करता है, कैसे कंगारू पे कैसे डिपेंड करता है? कंगारू के पैर में कुछ होगा स्प्रिंग स्प्रिंग लगा के तो आपके हिसाब से स्प्रिंग लगाने पड़ेंगे पहले कंगारू तभी लगा पाए, ऐसे नहीं लगा पाए। हम बोल रहे कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंची छलांग लगानी है, कंगारू नहीं लगा पाएगा जी। नहीं लगा पाएगा? नहीं, पक्की बात है? अगर मैं बोल रहा हूँ वो लगा रहा है तो कैसे लगाएगा? नहीं लगा रहा है कैसे लगाएगा? कंगारू तो नहीं लगा सकता, वो लगा रहा है। अगर लगा रहा है वो कैसे लगाएगा, वो सोचने वाली बात है ना। उसको ऊपर चढ़ा तो वो फिर ऊपर से ऊपर कूद जाएगा। ऊपर भी नहीं चढ़ा रहे फिर? फिर नहीं हो सकता? फिर तो नहीं हो सकता जी। ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जी। आपके हिसाब से लगा सकता? नहीं लगा सकता सर। पक्की बात? यस सर। क्यों? क्योंकि वो उड़ सकता है सर। उड़ सकता है? कंगारू उड़ने वाला जानवर? हाँ। किसने बताया आपको? सुना है। कौन सी बुक में पढ़ी है ये चीज वाले, ये बताओ। बुक में तो नहीं पढ़ा, खुद सुना है। कहाँ से सुना? किसी दोस्त ने बताया था। क्या कहता? कंगारू उड़ता है? उड़ता है। चलिए इनके हिसाब से कंगारू उड़ता है और वो कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है। बताइए सर क्या एक कंगारू कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है? नहीं लगा सकता। क्यों? उसकी कॉमन सेंस नहीं है। कंगारू की कॉमन सेंस नहीं है? नहीं है। कैसे आपको कैसे पता? मुझे बताया है। कंगारू ने बताया आपको? कंगारू ने बताया है। कहता मेरे में कॉमन सेंस नहीं है, उसके अंदर दिमाग नहीं है। छलांग लगाने में दिमाग का कहाँ से इस्तेमाल आया सर? देखो मंकी में दिमाग होता है, कंगारू में नहीं होता है। मंकी में होता है, कंगारू में नहीं होता, इसलिए वो छलांग नहीं लगा सकता। सर मंकी लगा सकता है? हाँ क्यों नहीं, मंकी पक्का लगा, पक्का लगाएगा। चलिए इनके हिसाब से मंकी छलांग लगा सकता, कंगारू नहीं लगा सकता, क्योंकि कंगारू में कॉमन सेंस नहीं होती। बात करते हैं थोड़ी देर। ओके नाम बता दे अपना पहले। पुरुषोत्तम दुबे। कहाँ के रहने वाले? जम्मू से। अच्छा कॉमन सेंस है आप में? हाँ डेफिनेटली। कितने परसेंट? अब डिपेंड करता है वर्किंग के ऊपर। आप में अपने अपने में कितना लगता है कि कितनी है कॉमन सेंस? मैं भी 80% के आसपास। 80% के आसपास। चलिए एक सवाल पूछूं कॉमन सेंस वाला। बताइए सर क्या एक कंगारू कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है? नहीं। क्यों? मैं बैठा कुतुब मीनार की हाइट कितनी ज़्यादा है, कंगारू कितनी लेवल पे है। कंगारू को देखा है कभी आपने? देखा तो नहीं है, हाँ टीवी वगैरह में देखा है, ऐसे ही देखा। आपको लगता है कि नहीं लगा सकता? नहीं लगा सकता। अगर मैं बोल रहा हूँ वो लगा रहा तो कैसे लगाएगा? कैसे लगाएगा? कह नहीं सकता, आप बता दो आपको पता है कैसे लगाएगा? मुझे तो पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपकी कॉमन सेंस चेक करिए। कॉमन सेंस ये है कि वो नहीं लगा सकता, एज पर माई कॉमन सेंस। आपकी कॉमन सेंस के हिसाब से नहीं लगा, नहीं लगा सकता। नाम बता दें सर अपना। जंग बहादुर शर्मा। कहाँ के रहने वाले? लिंक रोड। अच्छा कॉमन सेंस है आप में सर? जवाब आपको खुद ही मिल गया। कैसे मिला? जो मैंने कहा आपने फॉलो कर लिया। वैसे है मैं आपको लगता है कोई आपके साथ नेगोशिएशन तो की नहीं, इसका मतलब कि है की वाला। हाँ ये एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला। चलो ठीक है। बताइए क्या एक कंगारू कुतुब मीनार से ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है? नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? बहुत ज़्यादा हाइट है, वैसा सोचना भी ऐसे एक वो अजीब सी बात है। क्या एक कंगारू कुतुब मीनार से ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है? कुतुब मीनार लगा सकता है उससे ऊंची छलांग या नहीं लगा सकता? शायद लगाए। शायद लगाए? नहीं लगा। पक्का? नहीं लगा सकता। चलिए नहीं, कहाँ जाओगे? किसी और से पूछोगे? नाम बता दे मैम अपना। साधना। कॉमन सेंस आप में? हाँ जी है। कितनी है? ये तो क्वांटिफाई नहीं कर सकते। मतलब कहते हैं ना कि लड़कियों में जो होती है लड़कों से ज्यादा कॉमन सेंस होता है। आई डोंट नो। आपको नहीं पता? नहीं। आपको इतना पता है पर मेरे में कॉमन सेंस है। सबको पता है आप उसके अंदर कॉमन सेंस होती है कि नहीं होती है, मुझे पता है मेरे अंदर है। पक्का? हाँ जी। एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस का। पूछे। बताइए मैम क्या एक कंगारू कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता? ये आप अजीब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कॉमन सेंस वाला सवाल है। मुझे नहीं लगता। कॉमन सेंस है इसमें? नहीं। लगा सकता या नहीं लगा सकता? अगर आप उसका मिनीचर बना के रखें सामने तो पक्का लगा लेगा, पर जो एक्चुअल कुतुब मीनार है मेरे ख्याल से उसके ऊपर नहीं कूद सकता है। पक्की बात? आप अगर एरोप्लेन से ना कूदाएं उसको तो फिर नहीं कूद सकता। एरोप्लेन से कंगारू आपने कूदते हुए देखा कभी? आप करवा सकते हैं ना? अगर आप, मैं कैसे करवा सकता हूं? जैसे मेरा फेल करवाना था, आप करवा सकते हैं पक्का। क्या एक कंगारू कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है? नहीं सर। क्यों? पता नहीं, काफी हाइट होती है सर इसलिए।
हाइट पे होती है ना कंगारू, आपने देखा कभी छलांग लगाते हुए? नहीं। अगर मैं बोलूँ वो लगा सकता है तो कैसे लगाएगा वो? अब आपको पता होगा, आप बता रहे हो। मुझे तो पता ना, आपकी कॉमन सेंस चेक कर रहे हैं सर। कॉमन सेंस वाली चीज़ है। नहीं पक्का पता नहीं। लगा सकता है नहीं लगा सकता? नहीं लगा सकता। पक्का? हाँ सर। आप बताएं, कंगारू एक कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है? कुतुब मीनार की मुश्किल ही है। मुश्किल है? हाँ। इसके लिए आपके लिए कंगारू के लिए? कंगारू के लिए। कंगारू के लिए क्लीन के हिसाब से कंगारू के लिए मुश्किल है कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगाना, पर हम कह रहे हैं आसान है। बात कर रहे कुछ और लोगों से। बताओ सर, एक कंगारू कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है? नहीं। क्यों? काफी ऊंचा कुतुब मीनार। मैं अगर बोल रहा हूँ लगा सकता है, कैसे लगाएगा? जैसे हम सभी छलांग लगाते हैं वैसे वो भी लगा देगा। आप कैसे छलांग लगाते पहले वो दिखो। मैं तो ऊपर से ही कूद जाऊंगा। चलो कूद के बताओ। अब इधर तो जगह नहीं, कूदू कैसे? जगह लो ना, इधर ऊपर से कूद। चलिए इनके हिसाब से जैसे ये कूदे हैं वैसे ही कंगारू कूदेगा, पर कुतुब मीनार से ऊंची छलांग नहीं लगा पाएगा। बात करते कुछ और लोगों से। नाम बताएं सर अपना। सतनाम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? जम्मू के। कॉमन सेंस है आप पे? हाँ जी। कितनी कितनी होनी चाहिए? होनी कितनी चाहिए वो बता दो आज। जितनी सभी में होती है उतनी आप में अभी? हाँ जी। कितनी होती है सभी में? 99%। आप में 99% है? मेरे में 100% है। 100% है? मतलब मैं कोई सवाल पूछूंगा उसका सवाल ही नहीं बता होता कि आप गलत दे दो उसके जवाब। जी जी। चलो मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ। बताओ क्या एक कंगारू कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है? हाँ जी लगा सकता है। कैसे? जैसे लगाते हैं सभी? हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। पॉसिबिलिटी नहीं है। नो पॉसिबिलिटी। मान जाए आपकी बात? माननी पड़ेगी, नहीं तो आप अजमा लो। ये आपकी कॉमन सेंस कह रही है कि वो नहीं लगा सकता? नहीं लगा सकता। चलिए इनकी कॉमन सेंस कह रही है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बात करते कुछ और लोगों से। बताओ सर, एक कंगारू क्या कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है? कंगारू कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है? नहीं। क्यों? लगा नहीं सकता। कोई ऊंचा है ना कुतुब मीनार? ऊंचा है। ऊंचा तो है ना कंगारू, छलांग भी तो लगाते हैं। मतलब इतनी छलांग नहीं ना लगाते, जैसे बंदर आते हैं थोड़ी सी छलांग लगा दे इधर से, वो तो देंगे थोड़ी पार करेंगे वो। नहीं कर सकते? हाँ नहीं, कोई नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। मेरा ख्याल नहीं कर सकते हैं। कॉमन सेंस है। हाँ चलिए इनके हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लगा ले। बात करते हैं कुछ और लोगों से। कंगारू लगा सकता है क्योंकि क्या 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 है? कंगारू कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है? कुतुब मीनार छलांग ही नहीं लगा सकता। आपने देखा कभी कुतुब छलांग लगाते? नाम बताओ। बॉबी। चलो बॉबी जी ने कॉमन सेंस लगा लिया और इनका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है क्योंकि कुतुब मीनार छलांग नहीं लगा सकता। सर बताइए क्या एक कंगारू कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है? नो। पक्की बात है? कंफर्म। ये गारंटी आपकी कॉमन सेंस कह रही है? क्या 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 एक कंगारू कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है? यस, क्योंकि कुतुब मीनार तो स्टैंडिंग है, वो छलांग नहीं लगाता। नहीं। नाम बताया अपना। दीपक। चलिए दीपक जी का कहना है कि वो नहीं लगा सकता क्योंकि कुतुब मीनार जो है वो स्टैंडिंग है, और इनका जवाब जो है वो बिल्कुल सही है, इन्होंने कॉमन सेंस जो है वो लगा लिया। दोस्तों कार्यक्रम के पहले भाग में हमने लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि क्या एक कंगारू कुतुब मीनार से ऊंची छलांग लगा सकता है या नहीं लगा सकता। ये एक आसान सा कॉमन सेंस वाला सवाल था कि ये लगा सकता है या नहीं लगा सकता, पर लोग जो हैं वो जो हमारे सवालों को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, उनके जवाब जो होते हैं वो गलत होते हैं, पर जो सुनते हैं और समझते हैं कुछ लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने सही जवाब भी दिया इस सवाल का। चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में हम लोगों से एक और आसान सा सवाल पूछेंगे कि जो जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे उस पर टोटल कितने टर्न्स है, कितने मोड़ है जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पे। ये हम लोगों से एक आसान सा कॉमन सेंस वाला सवाल पूछेंगे, तो आइए चलते हैं। नाम बताए सर अपना। जी। नाम? तरलोचन सिंह। अच्छा सर, कॉमन सेंस है आप में? वो क्या होता है सर? मतलब सोचने समझने की सेंस। आपसे एक आसान सा सवाल पूछूंगा, उसका आपने जवाब देना है। हाँ बोलो। देंगे? हाँ जी, आगे बोलो। सर बताइए जो जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे है उस पर टोटल कितने टर्न्स है? नेशनल हाईवे जरा जी। हाँ हाँ, टर्न कितने हैं पूरे रास्ते? टर्न एक, फ्लाईओवर दो, दो ही टर्न पड़ते हैं। कैसे? पूरे यहाँ से श्रीनगर तक लेके चलो। नहीं श्रीनगर तक, मैं श्रीनगर देखा ही नहीं हुआ मेरे भाई। कहाँ तक देखा आपने? बस ये पत्नीटॉप तक। पत्नीटॉप तक कितने टर्न है?
नहीं यार इतना तो आइडिया नहीं लगता है, सही आपको बताऊँ क्योंकि ना भी कहीं सोचा है। सोचो ना थोड़ा, सोचने वाली बात है। क्योंकि जब भी हम जाते हैं पिकनिक करने तो उस टाइम तो वैसे दारू शारू लगा के चलते, वो पता ही नहीं होता है। नाम बता दे सर अपना। लिया जाऊँगा ठोकर। कहाँ के रहने वाले हो? श्रीनगर के। कॉमन सेंस है आप में? जी कॉमन सेंस। जी जी कितने परसेंट है? हाँ जी सर कितनी है कॉमन सेंस आप में, कितनी है? मेरी 30 है। 30 20 30 30 20 क्या होता है? 30 30 क्या हुआ? 52 30। एज थोड़ा ना पूछिए, हम पूछ रहे हैं कॉमन सेंस कितनी है आप में। कॉमन सेंस मतलब? मतलब कि सोचने समझने की सेंस वगैरह होती है ना, कि हम आपसे एक सवाल पूछेंगे आपने उसका जवाब देना। जी जी देंगे। जी देंगे सर, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल सर। चलिए बताइए, जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है जी सर, उसमें टोटल पूरे रास्ते में कितने मोड़ आते हैं? मोड़ आते हैं वो सर हाँ, किसने गिने हैं इतने? कोई ड्राइवर नहीं हूँ मैं तो, काफी वाला। जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है उसमें टोटल कितने मोड़ आते हैं सर? मोड़ आप ऑप्शन दीजिए ना। ऑप्शन थोड़ा कौन बनेगा करोड़पति, थोड़ा खेल रहे ऑप्शन नहीं ना दे सकते हम। मुझे लगता है कि 100 मोड़ तो आते हैं। हाँ 100 से ज्यादा ही होंगे। पक्की बात है? चलिए इनके हिसाब से 100 से ज्यादा मोड़ होंगे। बात करते कुछ और लोगों से। जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है उस पर टोटल कितने मोड़ है? कभी गिना नहीं। कितने मोड़ होंगे? पता नहीं, फिर भी एस्टिमेट। एस्टिमेटेड 30-40 तक। 30-40 तक होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे ना। पक्की बात है? पक्की बात। 100 है? 100 है। कितने हैं कितने फिर भी? नहीं पता, एस्टिमेट लगा लो ना यार, गैस मार लो इतने होंगे। जम्मू टू श्रीनगर सर 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर में 900,000 से ज्यादा ही होगा। फिर बताइए जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है जी, उसमें टोटल कितने मोड़ है? तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई 70 मोड़ के करीब होगा। 70 के आसपास जी। अगर मैं बोलूँ इतने नहीं है, 70 मोड़ नहीं है, फिर वो आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ, मैं गिनाता जाऊंगा, आप गिनते जाओ। अब लेके चल रहे हो। जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे है उसमें कितने मोड़ है टोटल? इसका पता नहीं मेरे को, मालूम नहीं है। क्यों? क्यों हम भाग रहने वाला हूँ? यूपी के रहने वाले। यूपी में कितने मोड़ है ये बता दो। इतना गिनती नहीं किया मैंने गिनती नहीं किया। चलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ सर, बताइए जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है उस पर कितने मोड़ है? कौन सा नेशनल हाईवे? जम्मू से श्रीनगर वाला है, उसमें काफी सारा मोड़ है। कितने मोड़ है? क्या नहीं सकता कितने मोड़ है, काउंट नहीं किया मैंने। एस्टिमेट होता है ना कितना है, कितने है? मे बी मोर देन 100। मोर देन 100 है? नहीं नहीं वो काफी ज्यादा है, मैं 1000 से भी ऊपर होंगे। 1000 से भी ऊपर? की बात है। यस डेफिनेटली। अगर मैं बोल रहा हूं 300 किलोमीटर है यहाँ से श्रीनगर, तो मे बी उसमें काफी ज्यादा मोड़ है। बताइए मैम, जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है उस पर टोटल कितने मोड़ है? जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे उधर से कितने रोड है? मोड़ टर्न कितने? टर्न कितने हैं? अब इतना तो मैं घूमी नहीं। घूमने दे रही ना, कॉमन सेंस वाली चीज है। मैं घूमी नहीं, कॉमन सेंस वाली चीज है, सोचो ना थोड़ा। आप बता दो मेरे को। मेरे को तो पता, मैं तभी तो आपकी चेक कर रहा हूँ। तो आप बता दो। मेरे में बहुत है भाई। सर बताओ जो जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे है उस पर टोटल कितने मोड़ आते हैं? इसमें तो अनगिनत मोड़ है। अनगिनत है जी। क्यों? उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होता है। अगर मैंने आते हैं नहीं, अगर मैंने हिसाब लगा लिया तो कितने होंगे? हाईली से वैसे हिसाब से उसको कोई हिसाब नहीं है, मोड़ तो काफी आएंगे उसमें। 6-7 होंगे। पक्की बात है? शायद। उससे ज्यादा नहीं होंगी? उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कोई रास्ते में कोई जगह अच्छी मिले तो देखा, उधर गाड़ी लगाई तो पैक लगा लिया, बाद फिर चल रही है फिर लगा ली। फिर भी अंदाजन मतलब कितने मोड़ होते हैं? 50-60 मोड़ होंगे जी। उससे ज्यादा नहीं होंगे? उससे ज्यादा नहीं होंगे सर। जम्मू से श्रीनगर तो 50-60 मोड़ जी जी। कौन कहाँ कहाँ पे आते हैं मोड़ पता कुछ? ये सर अभी ये मेरे पीछे लगे हैं, तो अब मैं क्या बताऊँ कौन सा मोड़ बताऊँ मैं सर, ये कोई आइडिया नहीं। आपके हिसाब से 50-60 होंगे जी जी। चलिए इनके हिसाब से 50-60 मोड़ होंगे जो हाईवे पे आते होंगे। बात करते कुछ और लोगों से। रणदेव सिंह। कहाँ के रहने वाले? भद्रवाह। भद्रवाह के रहने वाले। अच्छा कॉमन सेंस है आप में? कॉमन सेंस मैं नहीं समझता हूँ इतनी बात भाषा। अच्छा नहीं समझता। मतलब सोचने समझने की सेंस है। आपसे सवाल पूछूंगा मैं। अच्छा
बोलेंगे हाँ बताएं। फिर बताइए जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है उस पर टोटल कितने मोड़ है? किसने गिने? आपने क्या पता गिने? उन्होंने गिने ये। कोई आइडिया? कोई नहीं। टोटल कितने होंगे वैसे, टर्न्स कितने होंगे? कोई पता नहीं, किसने देखा? ये बहुत पुराना हाईवे पता है इसको जी, मैं इसको ये हाईवे सब पता है इसको, ये पता है इसको, पता है। फिर आपके हिसाब से 70 ही मोड़ है? हाँ 70 ही मोड़ होंगे, उससे ज्यादा ना उससे कम नहीं, दोनों में से कुछ नहीं। चलिए इनके हिसाब से 70 मोड़ है जो जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे में, बात करते हैं कुछ और लोगों से। फिर बताइए जो जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे है उस पर टोटल कितने टर्न्स है? नेशनल हाईवे में कितने टर्न्स है? टर्न्स कोई भी नहीं सर, बस स्टेट है। टर्न्स कोई भी नहीं है। फिर क्या है? स्टेट है सर। स्टेट है नेशनल हाईवे? ये कौन से नेशनल हाईवे की बात कर रहे हो? सिर्फ स्टेट है, कोई टर्न नहीं आता सर। सर टर्न है जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे में, कितने टर्न्स है वही पूछ रहा हूँ ना सर। मैं गया नहीं हूँ। गए नहीं हो? नेशनल हाईवे देखा ही नहीं गया? नहीं सर, मैं आरसपुरा से जम्मू, जम्मू से आरसपुरा आगे गया नहीं। तो अच्छा आरसपुरा से जम्मू आते हो ना, उधर कितने टर्न्स आते हैं वो बता दीजिए। मेरा हिसाब से और कोई टर्न नहीं सर। इनके हिसाब से इनको पता ही नहीं है कि कितने टर्न्स है, बात करते हैं कुछ लोगों से। जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है उस पर टोटल कितने टर्न्स है? टर्न कितने हैं जम्मू नेशनल हाईवे? कुछ आइडिया? पता नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ दो टर्न्स हैं तो वो कौन से होंगे? पता नहीं, ये भी नहीं पता। आपके हिसाब से सर? लेफ्ट एंड राइट टर्न। लेफ्ट एंड राइट टर्न, दो ही टर्न है? हाँ दो ही टर्न होंगे, लेफ्ट और राइट। चलिए आपका नाम क्या सर? साहिल। साहिल जी ने भी कॉमन सेंस लगा दिया और इनका कहना है सिर्फ लेफ्ट और राइट टर्न होगा और टर्न्स तो होंगे नहीं। अच्छा अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ दो मोड़ है उसमें तो? आपने देखे होंगे, मुझे वो भी पता नहीं है। दो नहीं हो सकते? दो नहीं हो सकते, ज़्यादा ही होंगे। क्या पता, हो सकता है ज़्यादा हों। वो नहीं ना सकता, पक्का बताओ ना। पक्का पता दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे? पक्का पता कोई नहीं ना, मैं कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं। चलिए इनको कोई आइडिया नहीं कि कितने मोड़ होंगे, बात करते कुछ और लोगों से। दो टर्न, यू टर्न और राइट लेफ्ट। हाँ ये तो राइट लेफ्ट होंगे। हाँ दो ही हो, लेफ्ट हैंड दो ही हो गए। आप ज्यादा से ज्यादा बोल रहे हो, कॉमन सेंस। दोस्तों कार्यक्रम के दूसरे भाग में भी हमने लोगों से, पुरानी मंडी में आए कुछ लोगों से कॉमन सेंस वाला सवाल एक और पूछा था कि जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है उस पर टोटल कितने टर्न्स आते हैं, जिसके जवाब जो थे कुछ लोगों ने सही दिए और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं की, हमारे सवाल को ठीक से समझा नहीं, सुना नहीं और उनके जवाब जो थे वो गलत थे। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ये है कि जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे हो चाहे कहीं का भी नेशनल हाईवे, टर्न सिर्फ दो होते हैं, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न, जिसको लोग नहीं समझ रहे थे, नहीं सुन रहे थे। चलते हैं कार्यक्रम के तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में हम लोगों से एक टंग ट्विस्टर पूछेंगे। टंग ट्विस्टर जो हमारा आज का है वो है शीना लीड्स, शीना नीड्स, ये हम लोगों से पूछेंगे। पांच बार लोगों को बोलने के लिए बोलेंगे, तो आइए चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं वो ही हमारा टंग ट्विस्टर बोल पाते हैं या नहीं। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है कॉमन सेंस, नाम बता दें अपना। वीना भट्ट। कहाँ के रहने वाले? हम यहाँ फ्लोरिडा के रहने वाले। कॉमन सेंस है आप में? कॉमन सेंस है आप? हाँ क्यों नहीं। कितनी है? बहुत ज्यादा। बहुत ही ज्यादा। एक सवाल पूछता हूँ कॉमन सेंस वाला। रुकिए मैम, जाग आ रही है। एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे कॉमन सेंस वाला। अब बोल दिए ना, अब ये नाम का बोला, ये नाम बता दिया। चलिए ये हमसे लड़ने आ गए, डर रहे हैं ये, पर चलते हैं किसी और के पास जो डरे ना और हमसे लड़े हुए ना। आपका नाम बता दें सर। इम्तियाज। एक टंग ट्विस्टर बोलना पड़ेगा आपको। क्या? टंग ट्विस्टर बोलना पड़ेगा। बोलेंगे? मुझे नहीं आता। सर आपने बोलना है शीना लीड्स, शीला नीड्स। पांच बार। शीना नीड्स, शीला लीड्स। शीना नीड्स, शीला लीड्स। शीना लीड्स, शीना रीड्स। शीना लीड्स, शीला रीड्स। शीना लीड्स, शीला नीड्स। आप बार बार मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? शीला नीड्स, शीला नीड्स, शीला नीड्स। नहीं सर, शीना लीड्स, शीला नीड्स। पहले है शीना, शीना लीड कर रही है, जो शीला है वो नीड है उसको किसी चीज की। अच्छा अच्छा बोलो। शीना लीड्स, शीला नीड्स। पांच बार बोलो ना। शीना लीड्स, शीला नीड। पांच बार बोलना सर ये तेज। पांच बार नहीं बोला जाएगा। कितनी बार बोलोगे? एक दो बार ही बोला जाता।
दो बार बोल लो चलो ये भैया बोलेंगे आप बोलेंगे क्या चीज बोलनी भैया बताओ सर आपने बोलना है शीना लीड्स शीला नीड्स पांच बार शीना लीड्स शीला नीड्स पहले शीना है सर दूसरी बार शीला है पहले शीना है फिर शीला शीना लीड्स शीला नीड्स चलिए इन्होंने टंग ट्विस्टर हमारा बोल दिया दोस्तों टंग ट्विस्टर हम लोगों से इसलिए पूछते हैं ताकि जो उनकी फंबलिंग की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो सके अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी स्टार्टिंग में काफी फंबलिंग की प्रॉब्लम थी और मैंने भी काफी ज्यादा टंग ट्विस्टर बोले जिससे मेरी फंबलिंग की प्रॉब्लम है जो वो काफी हद तक दूर हो पाई और इसलिए हम लोगों की भी फंबलिंग की प्रॉब्लम दूर करवाना चाहते हैं तभी हम उनसे टंग ट्विस्टर पूछते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको लेकर आए थे पुरानी मंडी में जहां पर हमने लोगों की कॉमन सेंस चेक की, कुछ आसान से कॉमन सेंस वाले सवाल पूछे लोगों से और आपको दिखाया कि कितने लोग हैं यहां पे जिनमें कॉमन सेंस की कमी है और कितने लोग ऐसे हैं जिनमें कॉमन सेंस यहां पे देखने को मिली। इस प्रोग्राम के रिलेटेड अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/jkdigitalmedia और व्हाट्सएप नंबर है 8716964444। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कॉमन सेंस के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी कि रजत सेठी को और कैमरामैन अश्विनी सबरवाल को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। We'll be right back.